बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जिनके लिए कानून बनाया गया है, किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर टिकी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए, सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून बने जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए, आय दोगुनी हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, कहां पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। और अगर सरकार की नीयत साफ होती तो शायद सरकार देने में कामयाब हो जाती, लेकिन सरकार नहीं देना चाहती है। सरकार किसानों की जमीन छीन रही है। क्या सरकार डर रही है सर आपके वहाँ जाने से? क्या खतरा हो सकता है आपके जाने से? सरकार को क्योंकि किसानों को देना नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसानों तक बात पहुंचे। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान दुखी है, परेशान है। उसका धान लूट लिया गया, उसकी मक्का लूट गई, गन्ने का अभी तक बकाया दे नहीं पाए हैं। तो चीज सरकार ने वादा किया हो आय दोगुनी की और जमीन छीनने की कोशिश की हो तो सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि ये आंदोलन लंबा है और लगातार किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और किसानों को जागरूक करेंगे कि ये कानून उनके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी ने आज तो ये किसान यात्रा निकाली थी जो सरकार ने रोकी, हमारे घर में चारों तरफ से सील कर दिया। आखिरकार क्यों सील किया? हम जाते किसानों के बीच जाते, अपनी बात रखते। ये भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी कोई बहस नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा फैसला दे रही है। जब किसान नाराज हैं, किसान विरोध कर रहे हैं तो आखिरकार किसानों की सरकार सुन क्यों नहीं रही? मुझे नहीं पता क्यों तैनात किए गए, मुझे जानकारी नहीं है क्यों तैनात किया गया। जब घर आखिर घर क्यों सील किया, क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? हमारी गाड़ियां क्यों रोक रही, गाड़ियां ना जाए घर पर? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अध्यक्ष जी, क्या सरकार को डर है कि अखिलेश यादव के जमीन पर उतरने से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में रूप धारण कर लेगा? हम ज्यादा से ज्यादा किसान को जागरूक करेंगे, किसानों की मदद मांगेंगे। किसान की मदद मांग रहे हैं कि इस सरकार को हटाइए, यही तो कहेंगे जाके। केवल कार्यालय में नहीं, हर एक समाजवादी कार्यकर्ता को अपमानित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम अपने घर से ज्यादा किसान यात्रा के लिए निकलते, किसानों को जागरूक करते, किसानों में अपनी बात रखते। जिस कानून को लेकर के पूरे देश का किसान नाराज है और दिल्ली घेर के बैठा है, क्यों नहीं ये सरकार कानून को वापस ले लेती है? और फिर वो बात कहाँ चली गई आय दोगुनी की? ये सरकार को किसान अभिशाप लगने जा रहा है। सरकार को ये सरकार बचने वाली नहीं है। आप कोरोना का तर्क दे रहे हैं, आज ही बड़ा कार्यक्रम आगरा में हो रहा है सर। हम आप लोग बैठे हैं, ये प्रशासन की वजह से बैठे हैं, सरकार की वजह से बैठे हैं। और अगर प्रशासन और सरकार चाहती तो ये हम लोग दूरी बना करके बैठे होते। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है, कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना है? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है। वो कहीं सभाएं करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कहीं कोरोना नहीं है। लेकिन क्योंकि विपक्ष को रोकना है इसलिए कोरोना है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई,
न जाने कितने प्रतिनिधियों के परिवारों की जान जा चुकी है, प्रतिनिधियों जनता के प्रतिनिधि उनकी जान गई है, डॉक्टर्स की जान गई, इंजीनियर्स की जान गई, अधिकारियों की जान गई, और इतने महीनों में अभी तक कोरोना से कोई बचाव नहीं कर पाई सरकार और केवल लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है कोरोना के सहारे। आप गिरफ्तार कर लो, अगर आप गिरफ्तार करना नहीं हम नहीं जाएंगे, आप वो गिरफ्तार करना हम लोग गिरफ्तार करके ले चलिए, हम अपने आप नहीं जाने वाले। आप गिरफ्तार करो या गिरफ्तार करके भेज दो, हमें गिरफ्तार लेके चलो।